नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, जैविक कृषि पंचांग के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि जनवरी वाली जो जैविक कृषि पंचांग की वीडियो थी उस पर काफ़ी लोगों ने अपने सुझाव दिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो चलिए आगे फरवरी महीने के जैविक कृषि पंचांग की बात करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी जानकारी दे दूँ, तो ये वीडियो जिस पंचांग में से बनाई गई है उसका नाम है अभिनव जैव गति की कृषि एवं बागवानी पंचांग वर्ष 2022। और मैं धन्यवाद करता हूं इसके रचयिता डॉक्टर ओएन सोलंकी जी को एवं श्री रवि केलकर जी को। दोस्तों अगर आप कृषि पंचांग की एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कृषि पंचांग क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये कोई अंधविश्वास है या फिर वाकई में चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से खेती होती है, तो इन्हीं सब जानकारी के लिए अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल हम मोटा मोटा बात करें तो आप कृषि पंचांग के हिसाब से क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो पहला, आप खेत तैयार कर सकते हैं, खेत में खाद डाल सकते हैं, खेत में हल चला सकते हैं और हरी खाद पलट सकते हैं, फसल की बिजाई कर सकते हैं, फसल की रुपाई कर सकते हैं, फसल की कटाई कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप सब्जियों की तुड़ाई भी कर सकते हैं और कंद फसलों की खुदाई भी कर सकते हैं, यानी जो मिट्टी के नीचे की जो फसलें होती हैं उनकी खुदाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे केले का बाग लगाना चाहते हैं, आम का, अमरूद का, किसी भी चीज़ का अगर बाग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि कृषि पंचांग के हिसाब से खेती क्यों की जाए, तो इसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा बता देता हूँ कि कृषि पंचांग के हिसाब से अगर आप खेत संबंधी कार्य करते हैं तो पहला तो आपकी फसल में कीट रोग कम आएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका जो कीट रोग और बीमारियों पर होने वाला खर्चा है वह बच जाता है और दूसरा फसल की पैदावार में वृद्धि होती है, यानी पैदावार जो है ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस में आपको कृषि पंचांग फॉलो नहीं करना होता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो पहली कंडीशन, फसल के हिसाब से मौसम का ठीक ना होना। दूसरी कंडीशन, बीजों की बिजाई का उचित समय ना होना। तीसरी कंडीशन, बुआई के लिए खेत की तैयारी ना होना। और चौथी कंडीशन है ख़राब मौसम, जैसे बारिश आ गई है, आंधी तूफान है वगैरह वगैरह। तो इन सभी कंडीशंस में आपको कृषि पंचांग के हिसाब से कोई भी खेत संबंधी कार्य नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सभी शुभ और अशुभ दिन और तारीखों की बात करते हैं। तो फरवरी महीने की 12 तारीख सभी फसलों की बुआई के लिए शुभ तारीख है, बहुत ही शुभ दिन है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र राशि के हिसाब से फसलों के चार कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, उन सभी की बोनी के लिए शुभ तारीखों की बात करेंगे। तो पहली कैटेगरी में आते हैं बीज व फल वर्गीय फसलें, और इसके साथ ही साथ अनाज है, दाल है, तिलहन फसलें हैं और फल वृक्षों की रुपाई अर्थात बागवानी की शुरुआत। तो इन सभी के लिए जो शुभ तारीखें हैं वह हैं 7, 8, 17, 18 और 26। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं कंद वर्गीय फसलें, जो कि मिट्टी के नीचे होती हैं, जैसे आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली, शकरकंदी, सलजम, मूंगफली वगैरह वगैरह। तो इन सभी के लिए शुभ तारीखें हैं 10, 19, 20 और 28। इसके बाद तीसरी कैटेगरी में आती हैं फूल वर्गीय फसलें, जिनमें कि फूलों की ही मुख्य भूमिका होती है, जैसे गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, मोगरा है और फूल गोभी वगैरह ये सब। तो इन सभी की बुआई के लिए शुभ तारीखें हैं 2 तारीख, 3, 12, 13, 21 और 22। और इसके बाद आती है चौथी कैटेगरी, और इसमें होती हैं पत्ती वर्गीय फसलें, जैसे पालक है, मेथी है, चरी यानी बरसिम, धनिया है, पान है एवं गन्ना इत्यादि। तो इस तरह की फसलों के लिए जो बोनी करनी है उसके लिए शुभ तारीख हैं 5, 6, 14 और 24। अब ये चार कैटेगरी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं कि किन किन तारीखों में आपको बुआई, रुपाई, बिजाई बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसमें है 1, 9, 11 और 27 तारीख। इन तारीखों में आपको कोशिश करके बुआई को टाल देना है अर्थात बुआई नहीं करनी है। एक और ख़ास बात का आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन आपको कभी भी बुआई नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा की उत्तरायण स्थिति, जिसमें कि आप कंद फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कटाई करें और बीजों की बोनी करें, तो इसमें 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक और 28 तारीख, इन सभी तारीखों में आपको ये काम करने हैं। और अब आती है चंद्रमा की दक्षिणायन स्थिति, जिसमें कि आप हल चला सकते हैं, जमीन तैयार कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, हरी खाद पलट सकते हैं, साथ में कंद फसलों की खुदाई भी कर सकते हैं।
तो ये तारीखें हैं 14 तारीख से लेकर 27 तारीख। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत काम की है, और अगर आपकी बैकग्राउंड किसान परिवार की है तो आप अपने परिवार में इस कैलेंडर के बारे में ज़रूर बातचीत कीजिए। और अगर यदि आप यंग एज में हैं, 18, 20, 22 या 25 साल के हैं, और आपकी जो खेतीबाड़ी है वो आपके पिताजी या दादाजी संभालते हैं, तो आप उनसे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बातचीत करिएगा। हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी इस कृषि पंचांग के बारे में सुना होगा, लेकिन ना मिलने की वजह से वो कभी इसका फ़ायदा ना ले पाए हों, तो आप इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको कुछ अच्छा बता पाया, कुछ अच्छा सिखा पाया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अंत में फिर से इस जैविक कृषि पंचांग के रचयिता डॉक्टर ओएन सोलंकी जी एवं श्री रवि केलकर जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।